Almantasha Realty presents yet another masterpiece set in the heart of Mumbra that promises to elevate your lifestyle. Welcome to The Universe, a residential tower that offers more than just four walls. This project offers you your own space, your own universe wrapped in these spacious 1 and 2 BHK apartments that are meticulously designed and smartly planned. Find all modern specifications that are specifically curated for you here. Here you are offered your own space, your own universe. शहर में माहौल बिगड़ने की आशंका, बुलाई गई आरएफ और आरसीपी की टुकड़ियां। रफीक कामदार, हिंदुस्तानी रिपोर्टर में आपका स्वागत है। मुगल बादशाह या फिर औरंगजेब रहमतुल्लाह अलैह कहे, इस मुद्दे पर विवादित टिप्पणी विधायक जितेंद्र आवर द्वारा किए जाने के बाद लगातार उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की मांग एमआईएम, समाजवादी पार्टी, कुछ एनजीओज, एक मुस्लिम संगठन, ऐसा सभी द्वारा की जा रही है। आए दिन धरना करने की कोशिश या फिर पुतला फूंकने की कोशिश, इन सब के चलते शहर का राजनीतिक माहौल एक तरफ गरमाया हुआ है, वहीं इस गरमाए हुए माहौल के चलते कहीं कानून व्यवस्था को खतरा न पहुंचे, इसलिए मुमरा पुलिस में अब माहौल को सामान्य बनाए रखने के लिए और पुलिस सतर्क है ये दिखाने के लिए रैपिड एक्शन फोर्स और रॉयड कंट्रोल पुलिस की टुकड़ियां बुलाई गई। 16 जनवरी सोमवार को ये टुकड़ियां शहर में थी, पुलिस स्टेशन में थी, इनका एक यहां मॉक ड्रिल किया गया हल्का सा, उसके बाद ये टुकड़ियां वापस चली गई। 19 जनवरी को रूट मार्च होगा पूरे शहर में इन टुकड़ियों के साथ स्थानीय पुलिस का। इस पूरे मामले पर क्या कहा मुमरा पुलिस स्टेशन के वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक अशोक कडलक और आरएएफ के कप्तान ने, देखिए। पुलिस बल जो ये हमारा रूटीन लॉन्ग मार्च या फिर रूटीन था जी, सब हमारे तलुजा से आए हैं। प्लाटून था एसआरपी का प्लाटून था, हमारा एक आरसीपी का प्लाटून, पुलिस स्टेशन के कुछ लोग थे। ये अगर कुछ मुमरा में कुछ राइड या फिर कुछ हो जाए उसके लिए प्रिकॉशन के लिए सब हमेशा आते रहते। आज वो जायजे के लिए आए थे तो उन्होंने सब जायजा लिया, तलुजा से आए थे। 19 तारीख को फिर एक बार एक रूट मार्च है, जिन भी रूट मार्च होगा किसी कोई अनहोनी हो जाए उससे पहले हम प्रिकॉशन लेके उसको खत्म, पहले से खत्म कर। अपडेट तो नहीं आया आपको? नहीं, अपडेट तो नहीं, लेकिन हमेशा हमको सतर्क रहना चाहिए, इसलिए पुलिस सतर्क है, साथ में हमारे ऐसा एससीआरपी के बड़े ऑफिसर और जवान भी सतर्क है। वो तुरंत आते, एक एक मिनट का उनके पास हिसाब रहता है, तुरंत पहुंचना चाहिए, तुरंत एक्शन लेना चाहिए। सर, आपके पास में जो मैन पावर कम था वो किस तरह से पूरा करना है? अभी वो जितना मैन पावर है उससे हम चालू है और सभी सर से भी हमने रिक्वेस्ट की है, वो देने वाले हैं आएंगे तो, लेकिन जब तक जितना मैन पावर है इसका हम चालू है उसका काम। सर, ये रूट मार्च कहाँ से कहाँ तक? रूट मार्च अभी पूरे मुमरा में होगा, 19 तारीख को स्टेशन से कौसा तक होगा, अंदर के एरिया में भी होगा, जहाँ जहाँ प्रॉब्लम है वहीं भी होगा। सर, ये जो रूट मार्च निकाला जा रहा है, ये जो बढ़ते आंदोलन हो रहे हैं इसको देखते हुए निकाला जा रहा है? नहीं, हमारा रूटीन का है, लेकिन लोगों को मालूम पड़ना चाहिए कि पुलिस फोर्स सतर्क है और पुलिस फोर्स किसी ने गलत किया तो उनके ऊपर तुरंत एक्शन लिया जाएगा, स्ट्रॉन्ग एक्शन लिया जाएगा, स्ट्रॉन्ग एक्शन लिया जाएगा। कुमार साहब, आप कुछ कहना चाहेंगे? हमारा रूटीन एक्सरसाइज है। अच्छा, के साथ में टाइम टू टाइम और इसमें हम हमारा रेस्पॉन्स टाइम देखते हैं और जो कंसर्न क्लियर है उनकी जानकारी लेते हैं, उनके सेंसिटिव पॉकेट्स क्या क्या हैं, रूट क्या क्या हैं, और फिर जो हमारा जो रेगुलर एमएस होता है उस दौरान में हम आके रूट मार्च करते हैं, लोगों से मिलते हैं, इलाके में देखते हैं, पड़ताल में, और साथ ही साथ पुलिस के साथ में हमारा संपर्क है और उनके द्वारा ही हम आगे। 19 तारीख को आप लोगों का रूट मार्च रहेगा सर मुमरा में? हाँ। ये 19 जनवरी हाँ, मुमरा और उसके जो भी पॉकेट्स हैं उनमें सभी जगह हम रूट मार्च करेंगे, साथ ही इलाके में कौन कौन है उनकी भी हम थोड़ा जानकारी लेंगे, ताकि कोई ऐसी वारदात हो सके, दुर्घटना ना हो, कोई भी चीज़ ना हो, तो इमीडिएट उनको डिस्टर्ब किया, इमीडिएट उनको रेक्टिफाई किया। अच्छा, I love you.
वेलकम। अरे ब्रेक भी नहीं मारो है।